हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राम और मेरे यूट्यूब चैनल आर के विजनी पे आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड फ्रेंड जैसे कि हमारा जो वीडियो का थंबनेल है, जिससे आपको पता चल गया हो कि आज हम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है उसके बारे में आज हमारा जो वीडियो है बेस्ड है। फ्रेंड तो इसमें आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले फ्रेंड कि आप इसमें किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए फ्रेंड। मैं कोशिश करूंगा वीडियो छोटा बने, क्योंकि आवेदन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जैसे फोटो रिसाइज करना है सब में आपको टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने फोटो वगैरह सब चीज़ पहले से रिसाइज करके रखा है। और अगर आपको भी फोटो रिसाइज कैसे करना है इसके बारे में जानना है तो मैं वीडियो का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से मैं उस वीडियो को देख के आप आसानी से फोटो रिसाइज कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे करेंगे उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो इसमें आपको ही घाटा हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप भूलेंगे तो उसमें आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन, इसको कोशिश कीजिएगा फ्रेंड कि आप कंप्यूटर पर टाइप कीजिए, तो मोबाइल पे आपको फोटो अपलोडिंग के टाइम फिर कुछ भी इधर आने का चांसेस रहता है, इसलिए इसको आप केवल कंप्यूटर पर टाइप कीजिए। तो चलिए इसको सबसे पहले आप इसमें कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका क्रोम ब्राउजर है, वहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लीजिए। न्यू टैब में यहाँ पे सर्च कीजिए परसू, परसू का शॉर्ट है, शॉर्टकट फ्रेंड PRSU। यहाँ पे जैसे आप परसू सर्च करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे एंटर कीजिए। एंटर पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट में जो लिंक दिया गया है यहाँ पे परसू पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का, सिंपली इसमें क्लिक कीजिए फ्रेंड। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, इसका जो मेन नैक डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ ऑलरेडी ओपन है फ्रेंड, चलिए इसको ओपन होने देते हैं। यहाँ पे ओपन किया, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ओपन होगा इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार होगा फ्रेंड। इसमें आपको फर्स्ट में जो दिया गया है, फर्स्ट यहाँ का जो डैशबोर्ड है यहाँ पे वो सबसे टॉप में ही दिया गया फ्रेंड, ऑनलाइन एडमिशन करके। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन एडमिशन में क्लिक करना है। अब जैसे ही ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, इसका एक और जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको दो चीज़ दिया गया जाएगा फ्रेंड, अगर आप अब यहाँ पे सेकेंड इंटरफेस ओपन होने के बाद फ्रेंड एडमिशन 2020 पे सिंपली क्लिक करना, जो लास्ट में दिया गया है रेड कलर में, इसमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दिया जाएगा फ्रेंड कि अगर आप इसमें ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसमें आप लॉगिन हो सकते हैं। और अगर आप इसमें फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। तो सिंपली जब हम यहाँ पे फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे सिंपली क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपका जो ट्वेल्थ में जो भी आपका नाम है, जैसे आपका नाम उसको यहाँ पे उसको यहाँ पे एंटर कीजिए फ्रेंड। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ फ्रेंड, सेम आप इसको भी देख कर एंटर कीजिए। यहाँ पे जैसे सरनेम भी इसके साथ ही लिखना है फ्रेंड। डेट ऑफ बर्थ में आप अपना जो फॉर्मेट है फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ, ऐसे ही फॉर्मेट में एंटर कीजिए। जैसे आपका है 14/7/98 का, तो आप 14/07/98 ऐसे लिखिए फ्रेंड। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए फ्रेंड। ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको एकदम एज इट इज करेक्ट डालिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकता है इससे। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर यहाँ पे यूजर नेम पूछे, आप ट्वेल्थ में जो रोल नंबर है उसको डाल लीजिए, 3 अंक का जो नंबर होता है रोल नंबर उसको डाल लीजिए। रोल नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे अपना आईडी से पासवर्ड करके और यहाँ पे सिंपली उसको एंटर कीजिए जो आपने वहां पे डाला था। इतना कुछ होने के बाद पासवर्ड में फ्रेंड अपना डेट ऑफ बर्थ, मैं जिसका फॉर्मेट है उसको आप वीडियो में शो करा दूंगा, उसी के फॉर्मेट के आधार पे आप जिसमें एंटर कीजिए फ्रेंड, तभी आपका पासवर्ड जनरेट होगा। यहाँ पे अगर आप कुछ भी चीज़ गलत करेंगे फ्रेंड तो मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन हो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आप सबको सही फिलअप कीजिए फ्रेंड। अब इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर जो है उसको एंटर कीजिए। मोबाइल नंबर जैसे एंटर करेंगे फ्रेंड, आपके मोबाइल नंबर पे ऑटोमेटिक ओटीपी जो है सेंड हो जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंपली एंटर कीजिए फ्रेंड। ओटीपी एंटर करने के बाद फ्रेंड यहाँ सिंपली जो वेरीफाई दिया गया है उसमें क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर ऐसा इसमें एंटर कीजिए फ्रेंड जो आपको अभी करेंट में जो चालू हो उसको एंटर कीजिए, क्योंकि आप उसमें ओटीपी अगर जाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप वैसे यूज़ कीजिए जो करेंट में चालू हो, क्योंकि इसमें आपका जो है ओटीपी जाएगा तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है।
अब जैसे ओटीपी एंटर करने बाद फ्रेंड यहाँ पे एक नया जो पेज है ओपन हो गया, इसमें आपको नाम वगैरह दिया गया है, मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ दिया गया है, जो यूज़र नेम दिया गया है, यूज़र नेम को आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। जैसे आपका 12वीं का रोल नंबर वही आपका यूज़र नेम बन जाएगा, इसको आप याद रख, वैसे भी आपके मोबाइल नंबर में इसमें आपको चला जाएगा, इसलिए आपको याद रख सकते हैं, फिर एसएमएस भी चला जाएगा फ्रेंड। तो आप यहाँ पे जैसे ही आपको ये टैब ओपन होगा, इसमें दिया गया फ्रेंड यहाँ पे आपको ना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है और यहाँ एक जगह अपने सिग्नेचर। तो चलिए हम सिंपली हमने पहले से रिसाइज करके रखा था, तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर जो है इसको अपडेट अपलोड कर लेते हैं फ्रेंड। सिंपली प्रोफाइल यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिए। अब वैसे ही फ्रेंड यहाँ पे चूज सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे चूज सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड अपना सिग्नेचर जो यहाँ पे दिया है उसको सिलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिए और वैसे ही अपलोड पे क्लिक कीजिए। अब ये दोनों होने जो हो जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे अगर आपका फोटो का जो साइज वगैरह है अगर 50 KB के अंडर मंगा है फ्रेंड, अगर उससे ज़्यादा होते यहाँ पे एरर ऑप्शन शो करेगा। मैंने फोटो पहले से रिसाइज करके इसे इसलिए यहाँ पे एरर का ऑप्शन नहीं आया। तो इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन आ जाए, इसलिए सिंपली क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपका साइन अप आने का फ्रेंड यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, इसको आप सेव कर लीजिए क्योंकि अभी आप जैसे ही लॉगिन करेंगे फ्रेंड तो इसमें आपको यह ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम अपना सिंपली गो टू लॉगिन पे चले जाते हैं। अब जैसे हम लॉगिन पे आएंगे फ्रेंड यहाँ पे अपना जो 12 का मार्क्सिट जिसे यूज़र नेम डाला था वहाँ पे इसको एज इट इज एंटर कीजिए और पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ था उसको एंटर कीजिए। अब इतना कुछ होने बाद फ्रेंड सिंपली आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन यूजर पे क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे दिया गया है एक और जो टैब है उसमें अपन यूजी एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, सिंपली इसी में क्लिक कीजिए, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 2020 पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब इसमें क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपका जो मेन ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपको यहीं से वो सब चीज़ स्टार्ट करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड आपको साफ फॉर्म का अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ भरना है। तो जैसे स्टूडेंट नेम एज सेम 12th के मार्कशीट में जो है उसको एंटर करना है, तो 12th के मार्कशीट में जो नाम हो उसको यहाँ पे एंटर कीजिए फ्रेंड सोनू। अब उनके बाद उनके जो फादर का नाम है उसको यहाँ पे फादर्स नेम में एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे उनका मदर नेम दिया गया है, ये सब आपको 12th के जो मार्कशीट में उसके हिसाब पर भरना है। मैं आपको फर्स्ट में फ्रेंड लेफ्ट साइड का भर के बता रहा हूँ, उसके बाद सेकंड में राइट साइड का भर के बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इतना कुछ अपना नाम डालिए 12th के मार्कशीट के आधार पर, उसके बाद अपने पिताजी का और उसके बाद अपने माता का नाम डालिए। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा फ्रेंड कि अगर कोई हैंडीकैप है थोड़ी कोई विकलांगता थोड़ी है, तो यहाँ पे अगर है तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर मेल है तो मेल सेलेक्ट करते हैं। मोडिटी इसको कुछ नहीं मत कीजिए फ्रेंड, नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह चाहिए तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई सर्विस मैन में अगर कोई है तो उसमें यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। अब स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो यहाँ पे अगर आप जैसे सोनू है फ्रेंड तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताऊँ, जैसे अगर आपको वहाँ पे लिखना है हिंदी में लिखना है तो ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लीजिए और यहाँ पे अपना लैंग्वेज है सिलेक्ट कर लीजिए हिंदी। अब यहाँ पे अगर आप सोनू लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट ओपन होने के बाद फिर यहाँ पे सिंपली आपको आपको राइट साइड में हिंदी को रखना है, लेफ्ट साइड में इंग्लिश को, सिंपली बीच में क्लिक कीजिए फिर। अब यहाँ पे लिखिए सोनू साहू करके साहू, तो यहाँ ये देखिए फिर यहाँ पे सिंपली आपका जो हिंदी में आ गया इसको आप सिंपली कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सोनू साहू अगर फिर इसे गाड़ी उसको छोड़ दीजिए कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे है छत्तीसगढ़ डेसिमल, तो यहाँ पे आपको अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। तो हम छत्तीसगढ़ से फिर यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी पूछे फ्रेंड, तो साहू ओबीसी है तो ओबीसी पे क्लिक कीजिए। आधार नंबर फ्रेंड, यहाँ पे आधार नंबर अपना डालिए, आधार नंबर डालने के बाद फ्रेंड अच्छा यहाँ पे वैलिड आधार नंबर डालिए। अब इतना कुछ नहीं बात, यहाँ पे पूछा गया आपका ब्लड ग्रुप, तो अगर आपका जो भी ब्लड ग्रुप उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे फोन नंबर कंपलसरी नहीं है फ्रेंड, अगर आप डालना चाहते डाल सकते, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए।
अब यहाँ पे दिए गए फ्रेंड कि आपको फ्रीडम फाइटर वगैरह तो नहीं तो नो पे, या फिर है तो यस पे क्लिक कीजिए, तो नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। और अगर आप जम्मू कश्मीर निवासी अगर हो रही है तो यहाँ पे अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। इतना कुछ हो जाने के बाद फिर यहाँ पे आपका दिए गए एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी थोड़ी इसके अलावा, तो यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी है एनसीसी वगैरह तो वहाँ है तो यस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से आप कोई भी एलिजिबल है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो कुछ मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। फ्रेंड अब आता है फ्रेंड आपका एड्रेस, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर कीजिए। पिन कोड डाल लीजिए फ्रेंड, जैसे आप अपना पिन कोड डालेंगे फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा कि अगर आपका पिन कोड गलत रहेगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नहीं ले पाएगा। इसलिए आप अगर आप पिन कोड सही डालेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें आप फिल हो जाएगा फ्रेंड। अगर आप तो चाहते हैं कि जो फर्स्ट एड्रेस है वैसे एड्रेस सेम टू सेम यहाँ पे सेकेंड में भी है तो सिंपली चेक मार्क्स दी चेक बार दी इसमें सिंपली क्लिक कीजिए, तो आपका दोनों जो एड्रेस है सेम हो जाएगा फ्रेंड। अब आता है फ्रेंड हमारा एकेडमिक डिटेल कि हम कौन से स्कूल में पढ़ाई किए हैं, कितना क्या है इसके बारे में, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। हाई स्कूल हमारा जो टेंथ का है इसमें देख लेते हैं फ्रेंड कि हमारा जो क्या है, कितना रोल नंबर क्या है, कैसे कैसे। तो सिंपली यहाँ फर्स्ट में दिया गया फ्रेंड अपना रोल नंबर, तो सिंपली चलिए हम रोल नंबर एंटर कर लेते हैं। रोल नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपका स्कूल नेम पूछा गया है, तो बिलासपुर है, बिलासपुर यहाँ पे एंटर कीजिए आपका पूरा स्कूल का नेम एंटर कीजिए फ्रेंड यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया फ्रेंड बोर्ड नेम, बोर्ड नेम आप कौन से बोर्ड से जो है टेंथ को पास किए, तो अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड का बता दें, तो यहाँ पे सिंपली छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन दिया गया उसमें क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब उसके बाद आप इसमें पासिंग है तो कौन सी अगर पास किए उस पर एंटर कीजिए, जैसे उन्होंने 2018 में पास किया। अब उसके बाद फ्रेंड अपटेन मार्क्स, यहाँ पे बात समझ ली फ्रेंड, टोटल मार्क्स जो आपका टेंथ में जीतते जैसे कि 600 का टोटल मार्क्स होता है, और आप उसमें ऑप्टेन टोटल में आप कितने पाए उसको यहाँ पे सेकेंड ऑप्टेन मार्क में एंटर करने थे, तो 600 इन्होंने 400 पाए। अब जैसे यहाँ पे आप थर्ड परसेंटेज पे या सीजी करके जीसी करके है इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो ऑटोमेटिक जो परसेंट है क्लिक हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पास फेल यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया गया, तो इसमें आप ले लेंगे फ्रेंड पास में पास में। अब आता है फ्रेंड मार्कशीट अपलोड की पारी, तो यहाँ पे क्लिक है सिंपली क्लिक कीजिए। इसमें फोटो का जो मार्कशीट के जो फोटो का साइज़ का रिक्वायरमेंट है वो फ्रेंड 150 से 200 KB के बीच, तो उसको मैं रिसाइज करके रखा हूँ। आप इसके रिसाइज कैसे करें उसके बारे में वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो सिंपली फ्रेंड क्लिक है अपलोड पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड जैसे मैंने अपना टेंथ का ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड फाइल को रिसाइज करके रखा, तो उसमें सिंपली इसमें क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड इसको ऑटोमेटिक ले लिया। अब इसको अगर चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आप इसका देख सकते हैं कि क्या है कैसे है। अब सिंपली इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड जैसे आपका टेंथ का अपलोड होगा फ्रेंड, उसके बाद हाई सेकेंडरी आपका ट्वेल्थ का है, इसमें आप कौन सी सब्जेक्ट लेकर ट्वेल्थ का पढ़ाई किया, जैसे साइंस है, साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, मैथ्स वाले हैं, एग्रीकल्चर, तो उसमें आप अपना जो सब्जेक्ट जो साइंस मिले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया, मैथ्स लिया फ्रेंड। अब उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर कीजिए। रोल नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड वहाँ आपका स्कूल का जो नाम है उसको एंटर कीजिए। अब उसके बाद फिर यहाँ पे फिर अपना बोर्ड जो कौन से बोर्ड से आप पढ़ाई की उसको एंटर कीजिए, सर्टिफिकेट है कि सिलेक्ट। उसके बाद पासिंग ईयर कौन से ईयर पास किया उसको यहाँ पे एंटर कीजिए फ्रेंड। अब यहाँ पे भी ऐसे फ्रेंड आपका जो ट्वेल्थ का 500 का होता है उसमें आप कितना पाए उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है फ्रेंड यहाँ पे पास पे क्लिक है। अगर आप ट्वेल्थ में सप्लीमेंट्री पास है तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, जैसे पहले पास है तो पास पे क्लिक करें। उसके बाद वैसे ही फ्रेंड जैसे आपने टेंथ का अपलोड किया वैसे यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपना ट्वेल्थ का जो मार्क्सिट है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए और ऑटोमेटिक ले लेगा फ्रेंड। अब इतना कुछ हो जाने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपसे कोर्स टाइप पूछे, तो आप ऑटोमेटिक ले लिए हैं इसको कुछ नहीं जरूरत नहीं, फर्स्ट से में भी आप ले लिए हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा गया सेलेक्ट टाइप स्टूडेंट रेगुलर पे, यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक कीजिए। अब एक बार पूरा फॉर्म को अच्छे से लें चेक कर लीजिए फ्रेंड, कहीं पे कुछ भूला वगैरह थोड़ी है, और फोन नंबर आपको कुछ जो है उसको भरना जरूरी है, आप कुछ छोड़ सकते कुछ नहीं वैसे। आप सिंपली चेक करने के बाद फ्रेंड यहाँ से पे क्लिक कीजिए। अच्छा यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भूल गए थे, इसको सिंपली डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कैलेंडर में जाके सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक कीजिए फ्रेंड।
अच्छा फोन नंबर मंगा है, रिक्वायरमेंट है ये फ्रेंड आपका, तो इसमें फोन नंबर आप एंटर कर लीजिए। सिंपली आप सेव पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। फॉर्म सबमिशन में थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड, उसके बाद आपका सेकेंड जो पेज है ओपन हो जाएगा। एडमिशन डिटेल में अगर आप फिर से अगर उसको एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिएगा, उसमें जाके आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया फ्रेंड, अब यहाँ पे जैसे आपका सेकंड पेज ओपन होता है फ्रेंड, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट फैसिलिटी दिया गया उसमें क्लिक कीजिए। अब इसके अंडर में आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं सिंपली उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। जैसे बी ए है, बी कॉम है, बी एस सी है, तो चलिए मैं सिंपली आपको बी एस सी में बता देता हूँ। सिंपली बी एस सी पे क्लिक कीजिए। अब बी एस सी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया गया सेलेक्ट कॉलेज, आप कौन से कॉलेज से इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, इतना सारे आपको दिए गए पर्सों में, तो आप कौन से कॉलेज से करना चाहते थे। तो यहाँ पे सिंपली चलिए फिर मैं ऊपर का जो फर्स्ट में डॉक्टर राधा का दिया गया उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट में। अब उसके यहाँ पे आपका उसको वेबसाइट भी मिल जाएगा फ्रेंड, वहाँ पे आप उस वेबसाइट विजिट करके उस बारे में जान सकते हैं। अब कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे ग्रुप टाइप दिया गया, जैसे आप बी एस सी में मैथ्स से करना चाहते हैं या फिर बायोलॉजी से, चलिए इनका बायोलॉजी में सेलेक्ट कर देता हूँ। अब बायोलॉजी में यहाँ पे दिया गया फ्रेंड की केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सिंपली इसमें क्लिक कीजिए। इतना कुछ हो जाने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना फ्रेंड, आपको सेव पे क्लिक करना है। आपका फॉर्म यहाँ पे सेव हो जाएगा फ्रेंड। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा कॉलेज से अगर और आप चाहते हैं कि इसमें अप्लाई करना, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉलेज देखो उसको सिलेक्ट कीजिए और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो दूसरे कॉलेज में उसमें भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा फ्रेंड। अब इसको सिंपली फिर यहाँ पे यहाँ से क्लिक करके फ्रेंड यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ आगे का जो नोटिफिकेशन हो जो आपको मिल जाएगा फ्रेंड, जैसे यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसमें आपको बताया जाएगा कि इसको आपको कहाँ जमा करना है, क्या है सर। तो इसको सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करके फिर इसका जो फॉर्म है इसको प्रिंट कर लीजिए। और आपको एक प्रिंट आपके यूजर आई डी पासवर्ड हमेशा आपके जो इस फाइल में अपलोड रहेगा फ्रेंड, और एक प्रिंट आप हमेशा निकाल के अपने पास रखिए। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपना आसानी से जो इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड मेरे वीडियो कैसा है कमेंट करके बताइए फ्रेंड। अगर आपको कोई भी दिक्कत आया तो नीचे जिस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू फ्रेंड। We'll be right back.